अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम भाई खैरियत से होंगे और मेरे बताए गए नुस्खों पर अमल कर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। बहुत ही मुजर्रब नुस्खा लेकर पेश हुआ हूँ, बहुत ही मुजर्रब टोटका है, बहुत कारगर टोटका है। ये जो टोटका है ये उन लोगों के लिए है जिन भाइयों ने अपने उज़्वे तनासुल को हाथ का इस्तेमाल कर बिल्कुल बेजान कर लिया है, यानी कि बेकार कर लिया है, बच्चे जैसा हो गया है, छोटा सा हो गया है और सुकड़कर बिल्कुल अंदर चला गया है, यानी कि खाल की तरह लटका रहता है और बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। उन्हें अपनी बीवी को खुश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, उन लोगों के लिए ये नुस्खा है। एक पेस्ट बनाने का तरीका बताऊंगा आज मैं, इसमें एक पेस्ट का नुस्खा बताऊंगा, बहुत ही कारगर नुस्खा है ये, मेरा लोगों पर आजमाया हुआ नुस्खा है, इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। और दोस्तों, ये आपके लंबाई को और मोटाई को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा देगा। दोस्तों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत अच्छा नुस्खा बताने वाला हूँ। चलिए नुस्खा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पंसारी के यहाँ से लेकर आनी है हीरा हींग लेकर आनी है, अच्छी वाली। वैसी हींग भी आती है नॉर्मल वाली, लेकिन आपको हीरा हींग लेकर आनी है, थोड़ी महंगी आती है लेकिन यही लेकर आनी है आपको। 25 ग्राम हीरा हींग लेकर आनी है, 25 ग्राम हीरा हींग लाकर इसको खरल लेकर खरल में पीस ले, कूट ले, यानी कि कूट लें, इसको पाउडर सा बना लें। इसका पाउडर बनाने के बाद आपको इसमें शहद डालना है, इतना शहद डालना है जिससे कि इसका पेस्ट बन जाए। इसमें पेस्ट, इतना शहद डालने के बाद आपको इसको खरल में चलाते रहना है तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको खरल करना है। जब इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए तो इसको किसी डिब्बी में कर रख लेना है। अब इसको लगाना कैसा है, रात में सोते टाइम आपको इसका लेप कर लेना है चारों तरफ, आगे का कैप छोड़कर, और इस पर पान बांध लेना है और इसको पूरी रात ऐसे ही छोड़ देना है। सुबह उठकर हल्के गर्म पानी से धो लेना है। इंशाल्लाह आप इसको 40 दिन इस्तेमाल कर लीजिए, आपके उज़्वे तनासुल में मोटाई भी आ जाएगी, पहले से ज़्यादा मोटाई आ जाएगी और लंबाई भी, हालांकि लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है लेकिन 0.5 से 1 इंच पहले के मुकाबले और बढ़ जाएगी, और जो जितना सुखड़ा था उतना आपका लिंग वापस आ जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। अगर नुस्खा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।